हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार करियर अपडेट बाय इंजीनियर में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, जो वैकेंसी निकल के आया था आपका NPCIL तारापुर का, उसका जो एग्ज़ाम डेट है वो निकल के आ गया है। तो ज़्यादा फालतू की बात ना करते हुए मैं आपको ले चलता हूँ उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर, ठीक है। तो यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट पर हम लोग यहाँ पर आ जाएंगे और देखेंगे कि भाई इस तरीके से क्या नोटिस आया है। उसके पहले दोस्तों मैं बता दूँ कि अगर आप NPCIL फिटर के छात्र हैं तो हमारे एप्लीकेशन करियर अपडेट बाय इंजीनियर, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। उसमें फ्री एडवांस जो टेस्ट है, जो एडवांस टेस्ट होता है इसका, उसके जो फ्री मॉक टेस्ट अवेलेबल कराए गए फिटर वाले बच्चों के लिए। तो जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं जाके मॉक टेस्ट दे सकते हैं फ्री में करियर अपडेट बाय इंजीनियर एप्लीकेशन पर, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, ये था पोस्ट, ये सारी पोस्ट के लिए यहाँ पे वैकेंसी निकल के आया था। आप देख सकते हैं जो ITI वालों के लिए था, 158 पोस्ट था टोटल। अब यहाँ पे देखिए, हमको देखना है नोटिस को कि क्या नोटिस आया है। तो यहाँ पर हम लोग चलते हैं जनरल नोटिस की तरफ। तो जनरल नोटिस पर आपको क्लिक कर देना है और इस तरीके से आपको देख लेना है कि भाई जो ST या TN टेक्नीशियन और फार्मा मेडिकल की पोस्ट थी उसका शेड्यूल ऑफ रिटर्न एग्ज़ाम यहाँ पर आ चुका है। तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देंगे तो आप नोटिस को डाउनलोड कर पाएंगे और उसको देख भी पाएंगे, ठीक है। तो जल्दी से आपको, अभी आपके पास समय है लगभग एक महीने का। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पे आ गया है और यहाँ पे आप इसको जो है देख सकते हो। तो सबसे पहले एग्जामिनेशन ऑफ द पोस्ट की हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। तो यहाँ पर फिटर वालों का जो एग्ज़ाम है वो 9 सितंबर को है, यानी कि अभी कायदे से आपके पास एक महीने का समय है। इलेक्ट्रीशियन का 10 को है और बाकी जो ट्रेड है उनके पास तो और ज़्यादा समय है। इनका एग्ज़ाम डेट ये शेड्यूल किया गया है 17 सितंबर को, ठीक है। तो अभी अगस्त चल रहा है आपका, तो आज 11 अगस्त है, तो अभी आपके पास पूरा एक महीने का समय है। अगर आप नहीं लगे हैं तो लग जाइए। नर्स वालों की बात करें तो 24 को है यहाँ पर, ठीक है, ये सारा कुछ। और ST या TM कैटेगरी 2 ऑपरेटर का यहाँ पर 1 जो है अक्टूबर को यहाँ पर एग्ज़ाम है। तो काफ़ी पहले इन्होंने सूचित कर दिया, जो कि आपके लिए काफ़ी अच्छी बात है। तो एक महीने में दोस्त, अगर आप पहले से थोड़ी मोड़ी तैयारी भी कर रहे थे ना, तो एक महीने में आप जो है इसको कंप्लीट कर सकते हो। इसमें लिखा है कि दम कैंडिडेट में नोट दैट ओनली स्क्रीन इन कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर द रिटर्न एग्जामिनेशन। वेन्यू ऑफ द रिटर्न एग्जामिनेशन इस तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन टाउनशिप, यहाँ पर होगा पालघर जो है महाराष्ट्र। तो यहाँ पर आपका जो एग्ज़ाम है या आपका जो तारापुर की यूनिट है वहीं पर होने वाला है, तो वहाँ पे आपको जाना होगा एग्ज़ाम देने। विच इज़ सिचुएटेड अप्रॉक्स 120 किलोमीटर फ्रॉम द मुंबई। तो मुंबई से 120 किलोमीटर की दूरी पर वो है जहाँ पर ये आपका एग्ज़ाम होना है। तो भाई ठीक है, अगर आप अच्छे से पढ़ाई करते हो तो आप जाना। एडमिट कार्ड आपका जो है टाइम से जो है जारी कर दिया जाएगा, ऐसा इनका कहना है, ठीक है। तो स्क्रीन इन कैंडिडेट का लिस्ट हो सकता है मे बी बहुत जल्दी मेरिट पर आ जाएगा, वेबसाइट पर आ जाएगा, तो वहाँ से आप देख लेना। और बाकी आप अपनी तैयारी करते रहो, क्योंकि बार का एग्ज़ाम भी बहुत जल्दी होने वाला है। टोटल कितने फॉर्म फिलअप हुए हैं ऑफिशियली, उन्होंने अपना अपडेट जो है बार वालों ने भी दे दिया है। तो आपके समझो कि दोनों एग्ज़ाम आपके लगे हुए हैं, लगभग बार के भी और जो आपके एग्ज़ाम हैं NPCIL के भी। साथ ही साथ अभी जो हाल ही में VSSC का जो है एडमिट कार्ड वो भी आ गया था, तो उसका भी 20 अगस्त को बहुत से बच्चों का एग्ज़ाम होगा। तो भाई लगे रहो, एक डेढ़ महीने अच्छे से लग जाओगे तो कहीं ना कहीं इसमें से आप सिलेक्शन ले रहे होगे। साथ ही साथ NCL में पूरी उम्मीद है, NCL में टेक्नीशियन की वैकेंसी ITI वाले बच्चों के लिए आ सकती है, क्योंकि हेम ऑपरेटर की वैकेंसी आ चुकी है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। तो जब पिछली बार हेम की वैकेंसी आई थी उसी के साथ कुछ दिनों के अंतर पर ITI वालों के लिए भी वैकेंसी आई थी, ठीक है। तो आप लोग अगर उसका वेट करें तो उसके लिए भी अपनी तैयारी अब जोरदार कर दीजिए। फिर इसके बाद नेक्स्ट ईयर मान के चलो आपकी LP की वैकेंसी आ जाएगी। तो कहीं ना कहीं भाई आपके पास काफ़ी मौके हैं अगर आप लगे रहोगे। तो इसी चीज़ के साथ मैं ख़त्म करता हूँ वीडियो को। जो लोग तैयारी नहीं लगे, रिवीजन में थोड़ा सा लग जाइए। आज के अपडेट में इतना ही, ऐसी अपडेट मैं आपको चैनल पर देता रहता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और फिटर वाले मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो करियर अपडेट बाय इंजीनियर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। सेशन से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।